हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एचटेट का जो एग्जाम है जो कि 2024 में आपका होने वाला है, उसकी एग्जाम डेट आपकी ऑलरेडी रिलीज की जा चुकी है। ऐसे में आप सभी को वेट है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक रिलीज हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जो आप मुझे कंटिन्यूअसली कॉमेंट कर रहे हो, तो सभी का रिप्लाई आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो भी आउट ऑफ द हरियाणा वाले कैंडिडेट हैं, उनके भी कुछ क्वेश्चन जो उनके जेन्युइन क्वेश्चन है जो उनको जानना है, वो उनके भी आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगी कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, हमेशा पहले ये होता था कि पहले आपका जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज करते थे, बाद में आपको एग्जाम डेट पता चलती थी। बट अब की बार इन्होंने क्या कर दिया, पूरी चीजें बदल दी है। पहले आपको यहां पर एग्जाम डेट बता दी है, जो कि काफी दिन पहले बता दी है, 7 और 8 दिसंबर को आपका यहां पर एग्जाम कंडक्ट होना है, जिसमें 7 तारीख को आपका पीजीटी का एग्जाम होगा इवनिंग सेशन में, और 8 तारीख को मॉर्निंग में आपका टीजीटी का एग्जाम होगा, और इवनिंग सेशन में आपको 8 तारीख को पीआरटी का एग्जाम होगा। ठीक है, सो अगर लास्ट ईयर का हम यहाँ पर देखें भी, लास्ट ईयर जो है किस तरीके से चीज़ें आपकी हुई हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो आपका 30 अक्टूबर को रिलीज किया गया था, और इसके अलावा जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की वो आपकी 10 नवंबर यहाँ पर रखी गई थी। सो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 दिन में इन्होंने इन फॉर्म को कंप्लीट भरवा भी लिया था। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है वो एंड ऑफ द नवंबर इन्होंने रिलीज कर दिए थे, और आपका जो एग्जाम है वो आपका 2 और 3 दिसंबर को यहाँ पर हो गया था। ठीक है, कंप्लीट हो चुका था। इसके अलावा आपकी रिजल्ट जो है वो भी बहुत ही जल्दी इन्होंने अनाउंस कर दी थी, 18 दिसंबर को आपका रिजल्ट भी आ चुका था। ठीक है, और विद इन सम डेज के दायरे में इन्होंने अपना बायोमेट्रिक भी करवा लिया था। सो ये पूरा प्रोसेस आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। 30 अक्टूबर का नवंबर ही हो गया था, नवंबर से लेकर के और दिसंबर के मिड तक ये नोटिफिकेशन भी निकाल चुके थे, फॉर्म भी भरवा चुके थे, एग्जाम भी हो गया था, रिजल्ट भी आ गया था, बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ हो गई थी। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इससे पहले क्या होता था कि आपको कम से कम 2 महीने का टाइम दिया जाता था, लेकिन पिछली साल और उससे पिछले साल में अभी इन्होंने जो टाइम है, जो बीच में जो गैप है आपके नोटिफिकेशन का और आपके एग्जाम का, वो बहुत कम कर दिया है। सो जो भी कैंडिडेट इस वेट में बैठे हुए हैं कि भाई जब आएगा तब की तब देखेंगे, तो फिर आपका नहीं क्लियर हो पाएगा, मैं यहाँ पर सिंपली आपको बोल दे रही हूँ। जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन जो तैयारी है वो करनी स्टार्ट कर दी, उनके लिए चीजें इजी रहेंगी। साथ ही मैं भी चीजें करवा रही हूं, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी। ठीक है, सो आप ये मान के चलिए, अगर हम 2024 की बात करें, 2024 की अगर बात करें, तो ये अगर आपका जो नोटिफिकेशन अगर वो अक्टूबर में नहीं भी आता, जैसे सितंबर तो भैया आपका एंड होने वाला है, ठीक है, सो आपका सेम उसमें देखने को मिल जाएगा कि या तो ये अक्टूबर के मिड में डालेंगे या फिर ये एंड में ही जाएंगे, जैसे इन्होंने लास्ट टाइम किया था। क्योंकि पिछली बार तो आपका एग्जाम 2 से 3 दिसंबर में हो गया था, अब तो फिर भी 4-5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए आपको या तो अक्टूबर के एंड में ही आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगेन मैं आपको ये बिल्कुल कहती हूँ कि आप इस चीज़ का वेट ना करो कि कब नोटिफिकेशन आएगा, उस चीज़ को भूल जाइए। जब भी आएगा वो आएगा ज़रूर, ये वो चीज़ें नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है कि जिसमें ये कह देंगे और फिर लेकर के नहीं आएंगे। ये आपका टेट एग्जाम है जो कि आपका होना ही होना है, कंपलसरी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये आपका एग्जाम होगा ही होगा। ठीक है, सो इसके वेट में प्लीज ना रहें, लेकिन फिर भी स्टिल जिसको जानना था, सो अक्टूबर के मिड तक आपको ये देखने को मिल जाएगा, नहीं तो फिर एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। मेरा मानना यह है कि अक्टूबर के लास्ट में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत ही कम दिन आपके लिए रहेंगे, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप तुरंत पहले सबसे पहले अपना फॉर्म फिल करेंगे। एंड में मत जाना कि भाई बाद में ये जो है डेट एक्सटेंड करेंगे तब देखी जाएगी, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, जैसा ही आता है तुरंत आप अपने फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, और उससे पहले आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, और बाद में तो आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं, अगर जैसे भाई बहुत सारे लोगों को नहीं पता है भाई क्या इनका तरीका है क्या नहीं है, जैसे आउट ऑफ जो हरियाणा कैंडिडेट पूछते हैं कॉमेंट में बहुत बारी, तो इसमें जो पासिंग मार्क है वो ध्यान में रखिएगा, जो भी ओबीसी के कैंडिडेट है और जो भी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 90 नंबर लेना अनिवार्य है, यानी कि आपको यहाँ पर 60% नंबर जो है वो लेना अनिवार्य है। अगर बात करें आपका एससी कैटेगरी का, एससी एसटी और जो आपका फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी है, उनके लिए 82 मार्क्स पर आप जो एचटेट है वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि ओबीसी वाले भी 82 पर, वो सीटेट में होता है, एचटेट में नहीं होता। एचटेट में आप अगर आप हरियाणा के ओबीसी हो, जनरल हो, तो आपके यहाँ पर 90 नंबर ही आने जरूरी है। बात करें अगर आउट ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट की, तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपके कोई भी यहाँ पर कैटेगरी है, सभी के सभी कैटेगरी को 90 नंबर लेना ही जरूरी है, तभी आपका जो एचटेट है वो क्वालिफाई माना जाएगा।
ठीक है, और भी बहुत सारे डाउट है, तो मैंने अगेन बोला है कि आप अगर आप आउट ऑफ हरियाणा हो, तो चाहे आप ओबीसी हो, आप जनरल हो, आप एससी एसटी हो, आप पीएच कैटेगरी में आते हो, किसी में भी आते हो, आपको यहाँ पर 60% नंबर यहाँ पर लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, तब आपको एसटेट की सर्टिफिकेट मिलेगी। अब उस सर्टिफिकेट का फायदा अगर आपको चाहिए है, अगर आप आउट ऑफ हरियाणा है, तो फिर आपको कहाँ पर मिलेगा, हरियाणा के अंदर ही देखने को मिलेगा। बाकी ये है कि आप अगर कहीं और स्टेट के हो, तो वहाँ पर आप प्राइवेट स्कूल में इन चीज़ों को एडअप कर सकते हो। बाकी गवर्नमेंट में अगर करना है, तो फिर एसटेट का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ हरियाणा के अंदर ही वैलिड होता है। और भी बहुत सारे डाउट है आपके, जैसे भाई सेंटर कहाँ आता है, ठीक है भाई परीक्षा आपकी कहाँ होती है, तो ये जो परीक्षा का आपका सेंटर आएगा, ये भी आपके हरियाणा में ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपी से या राजस्थान से हैं तो आपके घर के पास कोई सेंटर आ जाएगा, ठीक है, आपको हरियाणा में ही आना होगा उसके लिए। ये हो सकता है कि आपके घर के पास में जो सबसे पास में जो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आपको डाल सकते हैं, भाई आप यहाँ पर अपना एग्जाम दे सकते हो, ये हो सकता है, ठीक है। तो सेंटर आपका हरियाणा में ही रहेगा। इसके अलावा जब भी मान लीजिए अगर आप पास कर जाते हैं, काफ़ी कैंडिडेट पास भी कर लेते हैं, पास परसेंटेज काफ़ी बढ़िया आउट ऑफ द हरियाणा का, तो आपकी जो बायोमेट्रिक है, जो आपकी बायोमेट्रिक है वो भी आपकी हरियाणा के अंदर ही होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बायोमेट्रिक के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आपके पास में कोई पड़ता, आपको अगर इच्छा है दूर जाने की, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा करके आप अपना रोल नंबर दिखा करके बायोमेट्रिक करा के आ सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी करने की मतलब कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन सेंटर जहाँ आएगा आपको उधर ही पेपर देना है। बायोमेट्रिक के लिए आप हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, जो भी स्कूल अलॉट हो रखे हैं उनमें जाकर के खड़े होकर के आप करवा सकते हो अपनी बायोमेट्रिक, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब जो आप एसटेट का सर्टिफिकेट लेंगे, उसके बेस पर अगर आपको हरियाणा के अंदर अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज में अगर बैठना है, अगर आपको भर्ती में बैठना है, तो फिर आपको जो जॉब है वो कहाँ पर करनी पड़ेगी, हरियाणा में ही करनी पड़ेगी। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आई थिंक अब आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, जो भी आउट ऑफ द हरियाणा वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई पूछा किस तरीके से जाता है। तो जो पीआरटी हो गया, आपका टीजीटी हो गया और आपका पीजीटी हो गया, सेम पैटर्न है। मैं बार बार आपको ये चीज़ें बता चुकी हूँ, फिर भी जिन कैंडिडेट को नहीं पता, जो बिल्कुल नए जुड़ रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ें जनरल सेक्शन है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ये आपका कौन सा है, जनरल सेक्शन है, ठीक है, कॉमन सेक्शन आप जिसको बोलते हो, जिसे हम जनरली अवॉइड करते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमके नहीं, हमको नहीं आता है, हमें तो सीडीपी नहीं आती है, हमें तो मैथ नहीं आता है, और आप अपना सिर्फ सब्जेक्ट जो है उसे प्रिपेयर करके रख देते हो। तो सब्जेक्ट जो है आपका, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो आपसे 60 मार्क्स का पूछा जाता है। अच्छी बात है अगर आप इसको पढ़ रहे हो, बिकॉज इसके बिना पढ़े काम चलेगा नहीं वैसे, क्योंकि आप जब भर्ती में बैठेंगे तो आपका सब्जेक्ट ही आपके काम आएगा, तो सब्जेक्ट को पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बेस पर आप इस पेपर को क्लियर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंप्लीट चीज़ें हैं आपकी, वो आपकी स्कोरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये जो 90 नंबर है, इसमें से अगर आप चाहें तो आप आराम से इसमें से 70 नंबर ले सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करने पर आप इसमें आराम से 70 मार्क्स ले सकते हो, और जब आप यहाँ से 70 नंबर ले रहे हो, तो यहाँ से तो आपके अच्छे नंबर आ ही जाएंगे, सो आपका पेपर ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन होगा तभी जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरल सेक्शन के लिए मैंने अपने चैनल पर आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करी हुई है। सीडीपी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने पीवाईक्यूज भी डिस्कस करे हैं टॉपिक के अनुसार, ठीक है। आपको दोनों प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, कंटेंट वाली भी, और साथ ही साथ आपको जो एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी। जिस दिन जो भी टॉपिक होता है, उस दिन रात को लाइव 9 बजे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये मैं ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ, बहुत ही कम, लाइक 5-6 टॉपिक्स आपके रहते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं रहते, ठीक है। बात करें हिंदी की, तो कंप्लीट हिंदी के ग्रामर आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़ करके, वो भी आपकी कमिंग डेज में हो जाएगी। पैडागोजी इसमें आएगी भाई, एक चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखेंगे, बिकॉज अभी तक इसमें ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने पैडागोजी डाला था दोनों के अंदर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लास्ट टाइम इन्होंने पैडागोजी डाला था, ठीक है, जो कि इन्होंने नहीं दिया, जिसके ऊपर काफ़ी बवाल भी कटा था। तो अब की बारी देखते हैं नोटिफिकेशन के अंदर ये क्या बोलते हैं, हटाते हैं कि इंक्लूड करते हैं। अगर आया तो फिर आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि अब की बार फिर ये देंगे ही देंगे, बिकॉज इनके सारी चीज़ें जो है वो नॉलेज में आ चुकी है। सो पैडागोजी पर अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, थोड़ा सा संशय है। अगर ये सेम सिलेबस रखते हैं तो फिर पैडागोजी हमको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा लेट भी कराऊंगी, ताकि हम एक बार श्योर हो जाएं कि ये क्या बोल रहे हैं नोटिफिकेशन में, ठीक है। और जैसे ही हमारे हिंदी के 2-3 टॉपिक जो रह रहे हैं वो खत्म होंगे, उसके तुरंत बाद में आपका हिंदी और इंग्लिश का पैडागोजी ही स्टार्ट करूँगी, ओके। सो पैडागोजी की टेंशन आपने नहीं लेनी है, और जो बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए चीज़ें ऑलरेडी 2023 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो,
ठीक है। बात रही आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश का कंटेंट मैं आपको नहीं दे रही हूँ, वो आपका नोट्स के अंदर आपको इंक्लूड करके दिया है। मैं आपको नोट्स भी देती हूँ 90 मार्क्स के लिए, अगर आपको नहीं पता है। स्क्रीन पर आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा एक नंबर, यहाँ से आप कंप्लीट 90 मार्क्स के नोट्स, यहाँ पर पेड नोट्स अवेल कर सकते हो, जो कि बहुत कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको CDP कंप्लीट मिल जाती है बहुत ही प्रॉपर तरीके से, और साथ ही मेरे हैंड रिटन चीज़ें आपको मिल जाएगी बहुत ही अच्छी राइटिंग में, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको डेमो भी देखने को मिल जाएगा, सो आप मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हो। बात रही मैथमेटिक्स की, 10 नंबर का आता है, रीजनिंग 10 नंबर का आता है, और आपकी GK जो है वो 10 नंबर की आती है। तो GK जो है जनरली हम लोग सोचते हैं भाई कितना पढ़े इसपे, सो इसमें आपका करंट अफेयर्स तो आएगा ही आएगा, थोड़ा सा आप उसकी जानकारी रखो। साथ ही हरियाणा के जो GK वो इतनी वास्ट तो नहीं है, इतना भी डीप नहीं है कि आप बिल्कुल जा नहीं सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा है, मैं भी मानती हूँ। तो आप जितना तैयार कर सकते हो आप उतना तैयार जरूर कर ले। यहाँ पर हिस्ट्री से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है, और 3-4 क्वेश्चन आपको जो करेंट अफेयर्स है हरियाणा के उनसे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से 5 नंबर अगर आप ले लेंगे तो भी काफी होगा वो चीज़ें, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें डीप में नहीं भी जाओगे तो चलेगा, ओके। बाकी बात रही मैथ्स की और रीजनिंग की, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट का आइडिया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ PYQs के दम पर आप इन दोनों चीजों को कर सकते हो। जब मैंने एस्टेट दिया था तो मेरे 10 नंबर इसमें और 10 नंबर इसमें, पूरे 20 के 20 नंबर आए थे। और सिर्फ किया क्या था मैंने, सिर्फ कंसेप्ट की थोड़ी सी क्लियरिटी और PYQs बनाए थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करा, ठीक है। अगर आप PYQs करना चाहते हो तो मेरा मैथ्स और रीजनिंग 2023 एग्जाम को करके प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप उनको प्लीज जरूर बना करके जाइए, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और वहां से आपके बहुत आराम से इनमें से कम से कम 6-6, 7-7 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। तो ये प्लीज इग्नोर ना करें, सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं जनरल सेक्शन को इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर मत करो अगर आपको एसेट का सर्टिफिकेट चाहिए है तो। और टीचिंग गोल्स चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हो रही हैं, जो कि आप कमेंट में जाकर के देख सकते हो, सभी को बहुत पसंद आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत आभार जिनको मेरी चीज़ें करवाई हुई अच्छी लग रही है। अगर आप नए तरीके से जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज़ एक बार ये क्लासेस को देखना स्टार्ट करिए, वो आपके लिए ही बनाई गई है। मेरा मकसद ही यही है क्लासेस को क्रिएट करने का, कि एस्टेट के सर्टिफिकेट आप तक आ जाए, आपका जो पास परसेंटेज है एस्टेट का वो कहीं ना कहीं बढ़ जाए। सो इस वीडियो में इतना ही है, आई होप आपको जो जानकारी मैं देना चाहती थी वो मैं दे पाई हूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।